मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमएस एक्सेस पार्ट 3 जो मेरा लेसन 3 का है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एमएस एक्सेस मेरा कंप्यूटर में ओपन कर लिया हो। आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर रहे तो इसे आप एमएस एक्सेस को ओपन कर लीजिए। पहले ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक कीजिए, फिर कोई एक नाम यहाँ पे दीजिए जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे नाम दूंगा कस्टमर, चलिए कस्टमर नाम से बना लेते हैं। फिर एंटर या क्रिएट, उसके बाद ये जो टेबल वन दिखा रहा है इसके आप इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद डिज़ाइन व्यू में जाना है, फिर आप किस नाम से टेबल बनाना चाहते हैं उस नाम वो नाम यहाँ पे टाइप कीजिए। तो मैं यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स नाम से टेबल बना लेता हूँ। अब मुझे टेबल को डिज़ाइन करना है। तो हम लोग का इस लेशन में आप लोग को जो डेटा का फिल करना होगा वो है इस तरह से, जैसे कि फर्स्ट जो फील्ड नेम है वो है कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे लिखिए कस्टमर आईडी और इसको ऑटो नंबर छोड़ देंगे, हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसको। फिर अकाउंट नंबर शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों, अकाउंट नंबर इसको कर देंगे नंबर, क्योंकि अकाउंट नंबर को लिखना होगा नंबर से। और फील्ड साइज में आके हम लोगों को करना है डबल। डबल करने के बाद अब यहाँ पे और कुछ नहीं डालना है, बस उसके बाद चले जाइए अकाउंट नेम। अकाउंट नेम लिखने के बाद इसको हम लोग टिक्स रखेंगे, ये तो हम लोग जानते ही हैं, पहले भी कर चुके हैं बहुत बार। इसको डिलीट करके चलिए यहाँ पे 50 डाल देते हैं और फॉर्मेट में डाल देते हैं ग्रेटर देन और वैलिडेशन रूल में नॉट नल। और ताकि हम लोग जानते कि वैलिडेशन टिक्स में क्या लिखना चाहिए, तो यहाँ पे सपोज लिख देते सॉरी नेम फील्ड इज एम्प्टी। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड जो है वो है एड्रेस। एड्रेस के आपको फील्ड डेटा टाइप लेना पड़ेगा टेक्स्ट। फिर आप एड्रेस का फील्ड साइज को इसको भी 50 कर देते हैं। इसके बाद देखिए एड्रेस में क्या है कि हम लोग चाहते हैं, सॉरी ये एड्रेस में कुछ नहीं करेंगे, एड्रेस में बस हम लोग फील्ड साइज 30 रखेंगे। फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट फील्ड नेम में, जिसमें लिखेंगे रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे हम लोग टेबल में दिखाएंगे कि कस्टमर का रेसिडेंट इंडिया का है, तो हम उसमें एक क्लिक देंगे, मतलब एक टिक मार्क आ जाएगा। क्लिक जैसे हम माउस से क्लिक करते हैं उस तरह से क्लिक करेंगे तो एक टिक मार्क आ जाएगा। और अगर इंडिया का रेसिडेंट नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो चलिए रेसिडेंट बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा टाइप में लेना है येस ऑब्लिक नो, तो कीबोर्ड से आपको बस वाई प्रेस करना होगा तो यहाँ पे येस ऑब्लिक नो आ जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आइए। प्रॉपर्टीज़ में आके आपको लुकअप का जो टैब, देखिए यहाँ पे जनरल है लुकअप है, तो लुकअप में जाना होगा आपको। लुकअप से चेक बॉक्स लेना होगा आपको, ये जो डिस्प्ले कंट्रोल का जो लाइन है इस लाइन से आपको लेना होगा चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स लेने के बाद आप चले जाइए जनरल टैब में। फिर से जनरल टैब में जाने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए। फॉर्मेट में जाके यहाँ पे जैसे ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है यहाँ से आप येस ऑब्लिक नो ले लीजिए। लेने के बाद नेक्स्ट फील्ड में चलते हैं, यहाँ पे ओपनिंग डेट को हम लोग डेट टाइम रख देंगे। इसमें एक्चुअली हम लोग अगर चाहे तो रूल्स भर सकते कि आज का डेट या प्रीवियस डेट ही डाल पाएंगे, उसका रूल हम लोगों को मालूम है, तो चलिए वो नहीं करते अभी। इसके बाद ओपनिंग अमाउंट, ओपनिंग अमाउंट में आप लोगों को नंबर देना है और इसमें फील्ड साइज को डबल लेना है और वैलिडेशन रूल में आकर आपको बस लिख देते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन
5000 सपोज, मतलब 5000 से ऊपर ही आपको अमाउंट, 5000 के अमाउंट, 5000 के ऊपर के अमाउंट ही आपको बस लिखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट चलिए करते हैं फोटो। तो यहाँ पे फोटो लिखने के बाद आपको यहाँ पे लेना होगा अटैचमेंट, अटैचमेंट, अटैचमेंट लेने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, बस आपको कंट्रोल W दबा के सेव करना है। सेव करने के बाद यस में क्लिक करना है। यस में क्लिक करने के बाद चलिए डेटा को फिल करते हैं। कस्टमर डिटेल्स में जाइए और यहाँ पे एक एक करके नाम लिखिए। पहले नंबर आया है तो नंबर लिखिए, कोई भी नंबर लिख देते हैं। अकाउंट नेम ये भी कुछ भी लिख देते हैं। एड्रेस दुर्गापुर का कर देते हैं। रेसिडेंट में अगर सुनील नाम का जो व्यक्ति है वो अगर उसका रेसिडेंट इंडिया का है तो आप इंडिया यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या तो कीबोर्ड से स्पेस भी दबा सकते हैं। इसके बाद ओपनिंग डेट में जाइए। ओपनिंग डेट में जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक ओपनिंग डेट दे दीजिए, कुछ भी। फिर आपको ओपनिंग अमाउंट देना है। ओपनिंग अमाउंट में हम लोग ग्रेटर देन 5000 डाले तो 5000 के ऊपर का ही अमाउंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 6000 डाल देता हूँ। तो चलिए एक बार देख लेते कि 5000 ले रहा है कि नहीं। देखिए 5000 यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो आपको यहाँ पे 6000 देना होगा। तो देखिए ले लिया है। अब फोटो कैसे डालेंगे? फोटो डालने के लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा, जो अटैचमेंट साइन दिखा रहा था यहाँ पे, इसका ऊपर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद ऐड में क्लिक कीजिए। ऐड में क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी फ़ोटोज़ है, जो फ़ोटो आपका डालना है यहाँ पे, कोई भी फ़ोटो डाल के यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मैं कोई भी फ़ोटो यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, मेरा बहुत सारा फ़ोटो यहाँ पे सेव है, तो ये वाला लेते हैं। फिर वहाँ पे ऐसे फ़ोटो को ऐड करने के क्या किए, ऐड में क्लिक किए। ऐड में क्लिक करने के बाद फ़ोटो को पहले ढूंढे, फ़ोटो मेरा जो मेरे को सिलेक्ट करना है उसमें क्लिक करके फिर ओपन की, तो फ़ोटो यहाँ पे आ गया है। अब इसमें क्लिक करके ओके, तो फ़ोटो यहाँ पे अटैच हो गया है। अब दूसरा फिर टैब दबा के नीचे आते, फिर यहाँ पे कोई ना कोई नंबर देते। दूसरा नाम दिए और यहाँ पे कोई भी एड्रेस टाइप किए। फिर रेसिडेंट इंडिया का है तो स्पेस देंगे और ओपनिंग डेट में कोई भी एक डेट अमाउंट, कोई भी एक डेट यहाँ पे डाल देंगे, दिए। इसके बाद ओपनिंग अमाउंट पे भी आप कुछ भी डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आपको फिर से वही फ़ोटो अटैच करना है, तो फिर से डबल क्लिक कीजिए, ऐड में क्लिक करिए। ऐड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, चलिए ये वाला फ़ोटो ले लेते हैं, क्लिक करके ओपन। अब इसमें क्लिक करके ओके, तो फ़ोटो इसमें अटैच हो गया है फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोग कुछ डेटास पहले भर लीजिएगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल W दबा के मैं सेव कर दिया। तो फ्रेंड्स ये तो मेरा हम लोग पहले भी कर चुके थे, लेकिन इसमें जो एक नया चीज़ है वो है इसमें हम लोग फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को फॉर्म बनाने के लिए बोला गया है कि क्रिएट ए फॉर्म बाय यूजिंग डिज़ाइन विज़र्ड, यूजिंग फॉर्म डिज़ाइन विज़र्ड। तो फॉर्म डिज़ाइन विज़र्ड से कैसे हम लोग इसमें एक फॉर्म बना सकते हैं? तो फॉर्म बनाने के लिए पहले आपको क्रिएट में जाना होगा। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्म विज़र्ड, फॉर्म डिज़ाइन। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन है। फॉर्म डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद आपको ये जो डॉटेड जगह जो दिख रहा है डिटेल्स का, इसमें आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद देखिए साइड में एक प्रॉपर्टी शीट आया है, यहाँ पे दिखा रहा है नीचे डिटेल आपका। आपको लिस्ट पॉइंट में क्लिक करके यहाँ से लेना है फॉर्म। फॉर्म लेने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में। देखिए यहाँ पे है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद शो ऑल टेबल में क्लिक कीजिए। फिर कस्टमर डिटेल्स जो दिखा रहा है टेबल का नाम, इसका जो प्लस पॉइंट है इसमें क्लिक कीजिए। प्लस साइन में क्लिक करने के बाद देखिए सभी जो फील्ड्स था जो आप बनाए थे वो सारा फील्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है।
तो आपको इस सभी फील्ड्स को एक एक करके आपको इस जगह में मतलब डिटेल्स के जगह में लेके आना है। तो किस तरह से लेके आएंगे, अब डबल क्लिक कीजिए कस्टमर आईडी के ऊपर। डबल क्लिक करने पे कस्टमर आईडी यहाँ पे आ गया है, फिर अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट नेम, फिर एड्रेस, फिर रेसिडेंट, फिर ओपनिंग डेट, फिर ओपनिंग अमाउंट। अब देखिए फोटो में आप क्या करेंगे, फोटो का ये जो माइनस साइन अभी दिखा रहा है इसमें पहले क्लिक कीजिए, फिर आप फोटो के ऊपर, फोटो जो टेक्स्ट लिखा है फोटो के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, तब जगह फोटो ठीक ठाक से यहाँ पर आपका आ जाएगा। अभी आप अगर चाहते हैं कि फोटो का जो साइज़ बहुत ही छोटा दिख रहा है इसको बड़ा करना होगा तो आप बड़ा कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बटन बनाना सिखाता हूँ, कैसे यहाँ पे बटन बनाएंगे। बटन का मतलब क्या होता है, बटन यहाँ पे क्या काम करेगा, बटन का काम यहाँ पे है कि इस फॉर्म को जब मैं रन करूँगा तो उस बटन से ही, उस बटन को प्रेस करने से ही मैं फर्स्ट मतलब नेक्स्ट जो मेरा डेटा है, नेक्स्ट डेटा या प्रीवियस डेटा या नया डेटा ऐड करना या डेटा को डिलीट करना या सेव करना, ये सब कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बटन है, यहाँ पे बटन में क्लिक कीजिए। बटन में क्लिक करने के बाद आप एक बटन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। तो मैं इस बटन को बनाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सपोज नेक्स्ट बटन, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखेगा। तो आपको रिकॉर्ड नेविगेशन से देखिए यहाँ पे गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखा रहा है, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करके, टेक्स्ट में क्लिक करके फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया। फिर दूसरा बटन बनाएंगे, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ से मैं चाहता हूँ इसमें गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड नेविगेशन से गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड यहाँ पे है, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, फिर नेक्स्ट, फिर टेक्स्ट और फिर फिनिश। इसको थोड़ा ठीक से रखिए। इसके बाद फिर से एक कॉमन बॉक्स बनाएंगे, मतलब कॉमन बटन, जिसमें मैं करूँगा रिकॉर्ड ऑपरेशन से ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो ऐड न्यू रिकॉर्ड में मेरा क्लिक है, आप नेक्स्ट में क्लिक करिए, टेक्स्ट, फिर फिनिश। तो ऐड रिकॉर्ड आ गया। फिर से क्लिक करेंगे नया बटन बनाने के लिए, यहाँ पे फिर से रिकॉर्ड नेविगेशन में जाएंगे और डिलीट रिकॉर्ड, फिर नेक्स्ट, फिर टेक्स्ट और फिर फिनिश। तो आ गया, नेक्स्ट बटन बनाएंगे, इस पर भी रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाएंगे और सेव रिकॉर्ड, नेक्स्ट, टेक्स्ट, फिनिश। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 5 बटन यहाँ पे बना लिया हो, जिसका काम क्या है, नेक्स्ट बटन का काम है, आपका जो डेटा आपको दिखेगा फ्रॉम वाइज उसमें आप नेक्स्ट कर पाएंगे, प्रीवियस में आप पीछे आ पाएंगे, ऐड रिकॉर्ड में आप नया रिकॉर्ड ऐड कर पाएंगे, डिलीट रिकॉर्ड से आप डिलीट रिकॉर्ड कोई भी एक रिकॉर्ड को डिलीट कर पाएंगे और सेव रिकॉर्ड से ऐड रिकॉर्ड करने के बाद उस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए सेव रिकॉर्ड का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो चलिए मेरा फॉर्म तो क्रिएट हो गया है, अब इसको सेव कर देते हैं। जो पोर्शन आपका ज़रूरत नहीं है तो उसको छोटा कर लीजिए। इसके बाद सेव करता हूँ, सेव करने के लिए कंट्रोल W, फिर येस में क्लिक कीजिए, फिर एक नाम दीजिए। तो फ्रॉम 1 CTI कर देते हैं, या कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे नाम दिखा रहा है फ्रॉम 1 CTI। अब डबल क्लिक कीजिए, देखिए आपका फॉर्म आपके सामने आ गया है। आपको क्या करना है, बस नेक्स्ट रिकॉर्ड में क्लिक कीजिएगा तो नया नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है आपका वो दिखाएगा, और प्रीवियस में क्लिक करेंगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाएगा। देखिए कस्टमर आईडी 1, कस्टमर नेम जो नंबर जो था, नेम जो था, एड्रेस जो था, वो सभी यहाँ पे दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाएंगे तो इसका जो था, जैसे कि कस्टमर आईडी 2, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, अकाउंट नेम सॉरी, एड्रेस, रेसिडेंट, ओपनिंग डेट, ओपनिंग अमाउंट, सब दिखा रहा है। अभी माने कि मुझे एक रिकॉर्ड ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपको ऐड रिकॉर्ड में क्लिक करना होगा। फिर कस्टमर आईडी में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे नया नंबर लिखता हो, कोई भी कुछ भी नंबर लिखिए। फिर अकाउंट नेम में जाके नया एक नाम डाल देते हैं, फिर एड्रेस में जाके एड्रेस डाल देते हैं, फिर रेसिडेंट है तो स्पेस दबाइए, फिर ओपनिंग डेट में जाइए, यहाँ पे भी आपको कैलेंडर मिलेगा, आप कैलेंडर से कोई भी एक डेट चूज कर लीजिए, ओपनिंग अमाउंट में जाइए, यहाँ पे भी कोई भी अमाउंट दे दीजिए। फिर आपको फ़ोटो में जाना है, देखिए फ़ोटो में जाने के बाद आपको जो फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा हल्का करके दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है मैनेज अटैचमेंट, तो आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वही ऑप्शन आएगा, फिर आपको ऐड में क्लिक करना है। ऐड में क्लिक करने के बाद यहाँ से जो फ़ोटो आप इसके लिए देना चाहते वो फ़ोटो को चूज़ कर लीजिए, फिर ओपन कर लीजिए, फिर इसमें क्लिक करके आप ओके कर दीजिए। तो देखिए फ़ोटो यहाँ पर दिखा रहा है, आप इसको
सेव करना होगा आपको, तो सेव करने के लिए आप बस सेव रिकॉर्ड में क्लिक कर दीजिए। तो ये रिकॉर्ड सेव हो गया, तो ये जो रिकॉर्ड मेरा सेव हुआ, अब देखिए मैं अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाता हूँ तो कुछ नहीं दिखाता क्योंकि ये लास्ट रिकॉर्ड था, तो प्रीवियस में जाते तो बैक, फिर प्रीवियस में जाते फिर ये दिखाएगा, और प्रीवियस में जाएंगे तो ये दिखाएगा। तो मेरा सभी जो अकाउंट डिटेल्स मतलब जो कस्टमर्स है वो सभी को हम इस तरह से देख पाएंगे। अब मैं अगर इसको क्लोज कर भी दूंगा तो मैं अगर फॉर्म को मेरा जो टेबल है उस टेबल को ओपन करने से लास्ट में जो नाम मैंने ऐड किया था वो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, अनिर्बान बाकुड़ा जो मैंने उस फॉर्म से ऐड किया था वो भी यहाँ पे मेरा दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है एक्सेस में फॉर्म क्रिएशन, तो ज़रूर एक बार करके देख लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम अगर होता है तो ज़रूर मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलते हैं नया कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।